22 जनवरी को जो हमारे राम जी का मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार हुआ है, उसमें रामलला जी की जो मूर्ति स्थापित की जा रही है, उस उपलक्ष्य में हमारे सिरसा में भी बड़ा ही जोर शोर के साथ हमारे विधायक जो सिरसा के हैं भाई गोपाल कांडा जी और उनके छोटे भाई गोविंद कांडा जी के द्वारा एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जो कि हमारे शहर की सभी संस्थाएं मिलकर के बहुत ही बड़ा एक शोभा यात्रा का आयोजन कर रही हैं और उसमें सभी हमारी संस्थाएं शहर की जो हैं वो उनका साथ देंगी और घर घर जो है दीप उत्सव जो बांटने या दीपक जो बांटने का कार्य वो चल रहा है भाई गोविंद कांडा जी के द्वारा, और हर घर में जो है दीपक जलाए जाएंगे। ये बड़ी खुशी की बात है और हमारी जो महात्मा बुद्ध योग संस्थान के द्वारा भी एक भव्य जो है एक झांकी का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महाकाल की झांकी जो है उसको दिखाया जाएगा आप सभी के बीच में। तो सिरसा वासियों को क्या संदेश दिया? अरे मैं सभी सिरसा वासियों से यही मेरी प्रार्थना है कि आप सब इस उत्सव को भव्य रूप से मनाएं, एक भव्य दीपावली के रूप में मनाएं, हर घर में जो है दीप उत्सव मनाएं और जो 22 जनवरी को जो हमारी झांकी निकलने जा रही है उसमें सभी लोग शामिल हों, और ये बड़ा ही खुशी का पर्व है हम सभी के लिए, और मैं इसके लिए पूरे देशवासियों को हमारे शहरवासियों को बधाई भी देना चाहूँगा कि रामलला की मूर्ति जो है अयोध्या में विराजमान हुई है। सिरसा में भी 31 फुट मूर्ति हाँ जी वो हाँ जी क्या रहे? हाँ जी 31 फुट पे जो राम जी की मूर्ति स्थापित की गई है हमारे स्थानीय तारा बाबा कुटिया में, उसका अनावरण भी भाई गोपाल कांडा जी करेंगे, और उसके लिए भी मैं सभी से प्रार्थना करूँगा शहरवासियों से कि कुटिया में जाकर के भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद ग्रहण करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।